का हुआ है, जबरदस्त खेल हो सकता है, बहुत ही जबरदस्त मैच यहां पर देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पटवा वर्सेस कवर्धा के बीच। हैंड टच करके पॉइंट लेना चाह रहे थे लेकिन असफल हुए, समझ गए थे कैचर। और इस बीच एक गलती रनिंग के माध्यम, रनिंग में अपने बैलेंस को नहीं संभाल पाए कैचर, बिल्कुल रनर के पास चिपक गए, मिड लाइन के पास पॉइंट गवा बैठे और इस पॉइंट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है कवर्धा का 12, इसका 18। मध्य प्रदेश अभी आगे चल रही है, बढ़त बनाए रखी है और मैं चाहता हूँ ऐसे ही बढ़त बनाए रखे और छत्तीसगढ़ टीम से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपनी झोली में एक एक अंक बढ़त बनाए। और इस प्रकार मध्य प्रदेश की टीम द्वारा टाइम आउट लिया गया है और निर्णायकों का इशारा टाइम आउट का, पहला टाइम आउट मध्य प्रदेश की ओर से। और मैंने पहले भी बोला हूँ कि एक्स्ट्रा प्ले छत्तीसगढ़ के प्लेयर रेड डालते हुए बहुत अच्छी रेड, दर्शकों से ऐसी आवाज सुनने के लिए हम तरस रहे हैं, मजा आता है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ऐसा है बगाड़ी सर, दर्शक भी कसमकस में है कि एमपी का छाप दें या छत्तीसगढ़ का, क्योंकि दोनों भाई भाई तो हैं। फिर से मात्र 3 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के बचे हुए हैं, कवर्धा के रेट पर है मध्य प्रदेश पटवा, देखना है क्या होता है, या पूरे तीनों को लेकर जाते हैं या खुद देकर जाते हैं, दबाते हैं या चपके जाते हैं, ये तो कुछ ही क्षणों पश्चात पता चलेगा। 30 सेकंड की रेड होती है और यहाँ पर अलग अलग सिंगल डबल एक का ब्लॉक से पकड़ने का कैच करने का प्रयास था, बहुत ही चालाक रेडर निकले और रेड पे छत्तीसगढ़ के बहुत ही शानदार रेडर। बजने तो ढोल बाहर फेंकने का प्रयास था लेकिन लास्ट मोमेंट में ग्राउंड से बाहर जाने से कुछ ही क्षणों पहले यहां पर उन्होंने सेंटर लाइन को टच किया, चूंकि ये जो एक मोमेंट होता है हमारे पास वैसी सुविधा नहीं है, रिप्ले में आप देखते जैसे कि क्रिकेट में होता है, जो अभी जो घटा ये एक बहुत ही सॉलिड टेक्निकल उन्होंने यहाँ दिमाग लगा के ये काम किया है, जो कि लास्ट मोमेंट में अपने आप को मिड लाइन को छुआ है। सर मैं स्कोर बता दूं आपको 13 और 18, 18 मध्य प्रदेश 13। एक खिलाड़ी को आउट करने का दावा प्रस्तुत किया सही पाए और इस बीच पुनः एक अंक अर्जित किया मध्य प्रदेश के रेडर ने, 10 नंबर फिर से एक बार रेड पर कवर्धा से छत्तीसगढ़ से, बहुत अच्छा आपके लिए, आपके लिए बोनस अभी भी ऑन है, लेकिन चूंकि ये ऊपर ही खेलना पसंद कर रहे हैं ये जान रहे हैं कि टीम थोड़ी सी तगड़ी है। बहुत बढ़िया दर्शक से एक बार जिनका रेडर के रूप में छत्तीसगढ़ की टीम, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की टीम से सिलेक्शन हुआ, फिर से एक रेड पर 3 खिलाड़ी अभी भी बचे हैं, बहुत ही चालाक रेडर है ये, देखिए कैसे रेड डालते हैं और अपने कोर्ट के मध्य से स्टार्ट करते हुए पुनः एक बार बाईं ओर दाईं ओर पहुंचे हैं और एक सिंगल खिलाड़ी को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर से एक बार यहां पर कैचर सेट करने का प्रयास किया गया था, असफल हुए और एक पॉइंट ले गए रेडर से मध्य प्रदेश के 20-13 मध्य प्रदेश 20 और 13 है छत्तीसगढ़। 3 नंबर के खिलाड़ी छत्तीसगढ़ की ओर से रेड दी जा रही है, एक साइड से अपने दाईं ओर से रेड करने का प्रयास, फिर मिड में आए लल और फ्लाइंग किक के माध्यम से पॉइंट लेना चाहते थे लेकिन असफल हुए, अभी भी सुरक्षित फिर से एक बार रेड मध्य प्रदेश। 5 नंबर के खिलाड़ी जो कि एक बेहतरीन रेडर है, 2 खिलाड़ी बच्चे हैं, देखना है क्या होता है, सुपर टैकल हो सकता है या नहीं, या ये राउंड शॉप करते हैं इसी बीच, हो भी सकता है ग्राउंड शॉप कर ले और यहाँ पर रेडर आउट, बैलेंस नहीं बना पाए, लॉबी तक चलेगा बिगर टच के, जो नियम के अनुसार है मैं आपको बता दूं, जब तक आप किसी को ना मारे लॉबी में प्रवेश नहीं कर सकते, बहुत ही रनिंग में थे बैलेंस नहीं बना पाए। इस बीच छत्तीसगढ़ की रेड है, अब छत्तीसगढ़ के बेस्ट जो रेडर है नंबर चार बोनस अंक लेने का प्रयास किया गया था, ये भी बहुत अच्छे रेडर हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत ही शानदार रेडर हैं लेकिन सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, कोई बात नहीं धीरे धीरे। ओहो ये बहुत बड़ी गलती, दो अंक
फिर से इजाफा मध्य प्रदेश की टीम के द्वारा थोड़ी लचक लचक। आप रेफर को देखें, आप अपना डिसीजन मत दें। इस बीच ग्रीन कार्ड प्रतियोगिता का पहला कार्ड स्कोरर नोट करें। चेस नंबर प्लीज शो द चेस। चार और इस प्रतियोगिता का पहला कार्ड मैं आपको फिर से बता दूं, तीन जो रेफर्स हैं, तीन जो इस रेफर हैं ये राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफर हैं। कृपया आप अपना खेल खेलें, अपने खेल पर कंसंट्रेट करिए। डिसीजन देने के लिए हमारे पास एथेंटिक रेफर्स हैं। कृपया स्कोरर नोट करें, पहला कार्ड इस प्रतियोगिता का दिया जा चुका है। इस बीच फिर से रेड पर है, उस खिलाड़ी का नाम भी नोट करें। रेड पर छत्तीसगढ़ कवर्धा, चार नंबर खिलाड़ी का नाम। बोनस लेने का प्रयास किया गया है, देखना है क्या होता है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं छत्तीसगढ़ से, ये भी बहुत ही शानदार प्लेयर, और मेरे ख्याल से बोनस आपको पूरा ले चुके पूरा ले पूरा चुके, चुके हैं, बिल्कुल ले चुके हैं, बेशक ले चुके हैं, लेकिन निर्णायकों का जो भी निर्णय होगा हम उसी के अनुसार आपको बताएंगे। पकड़े गए लेकिन बोनस दोनों टीम को एक एक अंक, और यहाँ पर राउंड साफ हो चुका है मेरे ख्याल से। इसको बताएंगे अनु भाई, वहां से पूछो तो इसकी टीम का कौन सा राउंड साफ है। ऑल आउट हुए यहाँ पर, वन प्लस टू मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। एक अंक कवर्धा को मिला है, तो 1+2 थ्री पॉइंट्स मिला है एमपी को। जी हाँ, 25-15 का स्कोर चल रहा है यहाँ पर, 25-15 पांच अंक बहुत कम नहीं होते। एक बार सुपर रेड पे तीन तीन खिलाड़ी एक साथ चले जाते हैं। 25 अंक है मध्य प्रदेश, नीली टी शर्ट जो देख रहे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश की जो टीम है पटवा, नीले रंग की टी शर्ट में है, आप लोग के लिए बता दो, और पीले कलर की जो टी शर्ट में है वो कवर्धा डिस्ट्रिक्ट कवर्धा छत्तीसगढ़ की टीम है। अंतिम 3 मिनट बचा है, टाइम बताएं वहां से। अंतिम 5 मिनट सर, पांच मिनट यानी 10 रेड आपके पास है अभी भी। 10 रेड में अगर आप दो तीन भी करते हैं तो कैलकुलेशन करके हमारे स्कोरर बताएंगे कि कितने खिलाड़ी को आप अभी भी आउट कर सकते हैं। सर खिलाड़ियों का तो कोई वो नहीं है, सुपर रेड में एक खिलाड़ी 3 खिलाड़ियों को मार सकता है। 5 मिनट 10 रेड, मनोबल ना गिराएं, अभी भी फाइट करें। कमान छत्तीसगढ़, कमान कवर्धा। अंतिम 4 मिनट, मध्य प्रदेश की ओर से रेड। 6 खिलाड़ी हैं यानी कि बोनस ऑन है अभी। स्कोर भी बता दें, 26 टच से पॉइंट लेना चाहते थे, 26 पॉइंट लेना चाहते थे लेकिन असफल रहे। मध्य प्रदेश की टीम बढ़त पे है अभी, 26 अंक प्राप्त करते हुए रेडर छत्तीसगढ़ के 4 नंबर रेडर ग्राउंड पर। बहुत बढ़िया दर्शक, ऐसे ही स्वागत करें खिलाड़ियों का। बहुत बढ़िया, ये 30 सेकंड की रेड रहती है। पुनः मध्य प्रदेश के 2 नंबर की खिलाड़ी रेड पर, देखें क्या होता है। हो सकता है सुपर, बहुत बढ़िया रेड डालते हुए बहुत आसानी से। 3 मिनट और शेष रह गए हैं, कितनी आसानी से देखो इन्होंने 1 पॉइंट निकाल लिया है। ये होती है खिलाड़ी की प्रतिभा। 9 नंबर के खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के, 27-15 स्कोर, मध्य प्रदेश 27, 7 अंकों की लीड पर है मध्य प्रदेश अभी भी। और मेरे ख्याल 3-3.5 मिनट का शेष खेल बचा हुआ है, 3.5 मिनट में मतलब
छह रेड आपके पास अभी भी है। मध्य प्रदेश के टीम के द्वारा और एक प्लेयर डबल कर गया छत्तीसगढ़ का। पुनः रेड मध्य प्रदेश की टीम के द्वारा, ये लेकिन नाकाम कोशिश छत्तीसगढ़ की और एक फिर से छत्तीसगढ़ का और 29-15 पे स्कोर जा पहुंचा है और 2 मिनट शेष इस प्रतियोगिता के, फाइनल प्रतियोगिता के 2 मिनट यानी 4 रेड शेष है आपके पास अभी भी। हर रेड में अगर 2 खिलाड़ी भी लाते हैं तो 4 रेड में कितने खिलाड़ी लाते हैं और ला सकते हैं। और मैं बगाड़ी सर बता दूं निर्णायक, हेलो निर्णायक को बता दो बेस्ट रेडर यहां से चुनना है अपन को, जिसमें कि भैयर भगत मेडिकोज और आसाटी मेडिकोज द्वारा उन्हें उचित इनाम रखा गया है, वो भी आप स्कोर शीट पर आकर बता देंगे। इस बीच रेड पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी और छत्तीसगढ़ से मात्र 3 खिलाड़ी हैं, 2-1 की चयन, देखना है क्या होता है। और अब हर पल का टाइम बताएं, हर पल का 1.5 मिनट बचा है सर, 1 मिनट आधा सेकंड, आधा मिनट, 1.5 मिनट। 10 नंबर के खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से रेड पर हैं, देखना है क्या होता है। टू और डाई टाइप की स्थिति है, अब करो या मरो कवर्धा के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपको अपने आप को बचाने से कुछ नहीं होता, या तो आप करो या मरो। 1 मिनट लास्ट, आखिरी मिनट बचा है, 2 रेड होगी, 2 रेड में केवल 2 रेड होगी, 1 मध्य प्रदेश से चालू है, दूसरी रेड छत्तीसगढ़ से होगी, बस 2 रेड। स्कोर बता दें हम आपको, लास्ट स्कोर 29-15, 29-15 अब इस रेट पर डाई ही कर दीजिए आप, दिखाइए ये बहुत ही नाकाम कोशिश करते हुए। चलिए चलिए जब तक बिजली मध्य प्रदेश की तरफ से लास्ट रेट, अरे ढकेल दे पूरे को और ये बहुत ही रोमांचक फाइनल मैच 2017 सीजन फर्स्ट प्रो कबड्डी बैयर का ये अंतिम इतिहास रचने की ओर, इतिहास की ओर बढ़ रहा है, फाइनल मैच हो चुका है, जो विजेता हासिल की है जो पटवा मध्य प्रदेश, दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे, बहुत ही जबरदस्त मैच यहाँ आपके सामने देखा और मैं समस्त और रेफरी सबका स्कोर शीट में सिग्नेचर करेंगे, दोनों तीनों टीम जाएंगी नहीं कहीं एक दूसरे को, तो दोनों ही टीम मैं चाहूँगा बधाई के पात्र हैं, बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन आप लोगों ने यहाँ पर किया है।